नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। आपने हर बड़े शहर में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, आपने कुछ ऐसी गाड़ियां देखी होंगी कि जो नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी हुई गाड़ियों को हटाने का काम करती हैं। इनको हम टोइंग वैन्स बोलते हैं। अक्सर ये पुलिस के पास होती हैं वैसे, लेकिन महाराष्ट्र में खास करके एक एरिया है वहाँ पर, नासिक रोड, नारपोली, भिवंडी बाईपास, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा टोइंग को ही एक पैसा कमाने का नया जरिया बना लिया गया है। जी हाँ, वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं और किसी भी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, खास करके जो महाराष्ट्र के बाहर से गाड़ियाँ आती हैं तो उनको पकड़ लेते हैं और टोइंग चार्जेस के नाम से लगभग 800 रुपये हर गाड़ी से वहाँ पर वसूला जा रहा है, चाहे वो गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी हो चाहे ना हो, चाहे उस गाड़ी को टो उन्होंने किया है चाहे नहीं किया। लेकिन अगर वो आपके पास आ गए तो 800 रुपया लेकर ही छोड़ेंगे और साथ में एक प्राइवेट रसीद आपको दे देंगे। ऐसी कई खबरें हमारे पास आई, लेकिन एक हमारे व्यूअर हैं विल्सन डिसूजा, जो खुद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने एक रसीद हमें भेजी है तो और पूरा अपना किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मेरी गाड़ी यहीं पर भिवंडी बाईपास में पार्किंग में खड़ी थी, लगभग 5 फीट वो अंदर थी पार्किंग एरिया के, बावजूद इसके कुछ प्राइवेट लोग वहाँ आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं और गाड़ी की चाबियाँ उनसे छीन लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। तो जैसे वो गाड़ी से नीचे उतरकर उनको ड्राइविंग लाइसेंस अपना दिखाता है तो दूसरा इंसान उसमें से बंदा जाके गाड़ी के अंदर कैबिन में डैशबोर्ड से सारे गाड़ी के कागज निकाल लेता है। तो उसके बाद वो कहता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप गलत जगह पर आपकी गाड़ी खड़ी है, आपका चलान होगा और हमें 800 रुपया दो तो आपको छोड़ेंगे, आपके कागज़ तब हम देंगे। तो उनके पास कोई चारा नहीं होता गाड़ी मालिक के पास, तो वो 800 रुपया देकर अपनी गाड़ी वहाँ से निकालते हैं और अपने कागज वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन वो इस घटना से बेहद दुखद हैं, परेशान हैं। उनका कहना है कि बिना किसी गलती के वो भी कुछ प्राइवेट आदमी मेरे से ये 800 रुपया बिना वजह के ले गए। ऐसे खैर वो अकेले इंसान नहीं है, बहुत से ऐसे किस्से महाराष्ट्र में इस जगह पर खास के हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने उनसे वो रिसीट मंगाई तो रिसीट देखकर हम चौंक गए। आप भी देखिए इस रिसीट को। जब हमारा कभी चलान होता है तो सबसे ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहता है और फिर जिस धारा में हमारा चलान होता है, जो ऑफेंस हमने किया होता है, उसका सेक्शन लिखा जाता है, अंडर सेक्शन 179, अंडर सेक्शन दिस एंड दैट। लेकिन आप यहां पर देखें कि ऊपर सिर्फ प्राइवेट कंपनी का नाम लिखा है, आनंद टोइंग सर्विस, और कोई अंडर सेक्शन कुछ नहीं लिखा है, सीधा 800 रुपए चार्जेस है। उससे भी बड़ी हैरानी की बात देखिए आप कि जब ये चलान तो इसे कह नहीं सकते, जब भी ये वसूली कर रहे थे उनके साथ कोई भी ट्रैफिक पुलिस का हवलदार, इंस्पेक्टर कोई नहीं था। ये खुले आजाद घूम रहे हैं और इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं वहां पर। और तीसरी बात अब इसमें देखने वाली है कि इस पर्ची में देखिए आप, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। अगर किसी इंसान के साथ जबरदस्ती हो रही है वो किसको कॉन्टैक्ट करे? यहाँ पर सिर्फ एक घर का नंबर दे रखा है, हाउस नंबर 6 दशरथ नगर कल्याण का ये एड्रेस है महाराष्ट्र का ही। लेकिन एक प्राइवेट घर का एड्रेस देकर, अपनी पर्ची बनाकर और इस तरह से करना, ये तो बहुत ही सरासर हम शौक हो गए इसको देखकर। तो उसके बाद हमने थाने पुलिस से बात की, वहाँ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। एक और नया शौक ये था कि जो उनकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो इंस्पेक्टर वगैरह के नंबर दिए हैं वो भी सब गलत हैं, पुराने हैं। खैर किसी ना किसी तरीके से हम जो वहाँ पर मौजूदा इंस्पेक्टर हैं वहाँ तक पहुँच गए। उनका नाम है रमेश भामे। तो रमेश भामे को हमने पूरी कहानी बताई कि इस तरह से वहाँ पर लूट हो रही है, ये क्या हो रहा है, क्या ये एजेंसीज को आपने कोई ऑथराइजेशन दी है? क्योंकि इस रसीद पर दोबारा देखें, यहाँ पर एक स्टैंप नीचे लगी है, ऑन ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी नारपोली। तो उन्होंने ये तो माना कि हाँ इनको ये भी हैं और एक और है टोइंग सर प्राइवेट एजेंसी, जिनको हमने ये कहा है कि आप सिर्फ उन वाहनों को उठा सकते हैं जो गलत जगह पे खड़े हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि ये तो एक तरह वसूली का काम चल रहा है और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से भी ले रहे हैं और जो गाड़ियां चल रही हैं उसी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और उनसे भी पैसा वसूल करते हैं, तो उनका रटा रटाया जवाब था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं एक्शन लूंगा,
तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, आगे से जो भी इस एरिया में जाए तो ट्राई कर सकते हैं एक बार, पता नहीं क्या हेल्प होगी कि नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। हरमेश वहाँ में इंस्पेक्टर है ट्रैफिक पुलिस, ये उनका नंबर है स्क्रीन के ऊपर 8652174999। तो उनका कहना था कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 8 से 10 बजे के बीच, कभी भी अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं उस पर एक्शन करूँगा, एक्शन लूँगा। लेकिन कोई वो तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, जब अगर ये काम जब भी वो करते हैं उनके साथ ट्रैफिक पुलिस के कुछ मुलाजम होने ज़रूरी हैं। देखा जाए तो टोइंग सर्विस का तो मतलब ही नहीं है किसी से बात करने का। होना ये चाहिए असूलन कि अगर सच में कोई गाड़ी नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी है तो ट्रैफिक पुलिस का हवलदार या उसका कोई ऑफिसर जाए, वो उससे बात करे, चलान करे, जो भी करना है। उसके बाद मान लीजिए वहाँ पर वो ड्राइवर नहीं है और गाड़ी लगाकर चला गया है, तो उस केस में टोइंग सर्विस की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि गाड़ी उसकी वहाँ से हटानी है। लेकिन अगर ड्राइवर वहाँ मौजूद है तो टोइंग सर्विस का क्या काम है? आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका चलान कर सकते हैं या उसको बोल सकते हैं कि भाई अपनी गाड़ी आगे कर लो या साइड में कर लो, तो उसमें टोइंग का कहाँ से काम आ गया? ये तो ऐसे लगता है कि सरकार ने प्राइवेट एजेंसीज को काम दे दिया और उन प्राइवेट एजेंसीज को अच्छी मोटी कमाई हो, उसका जो इंतज़ाम है वो ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे हैं, किसी को भी आते जाते को पकड़ लो और चल, वो एक तरीके से प्राइवेट चलान कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ही एक तरीके से सीधा सीधा क्या कहें, इसे गुंडागर्दी कह सकते हैं या करप्शन कह सकते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और हम महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस को भी कहना चाहेंगे कि जहाँ तो इस सिस्टम को आप ढंग से चलाएं, जहाँ पर ज़रूरत है टोइंग सर्विस की वहीं पर इस्तेमाल किया जाए। मान लीजिए वहाँ ड्राइवर नहीं है तो आप साइड में करते हैं, उसका कोई 100-200 चार्ज आप ले सकते हैं, जायज़ है। लेकिन इस तरह से करना तो ये सरासर लूट है। नए नए इंतज़ाम हर रोज़ RTO ट्रैफिक पुलिस करती रहती है ट्रक ऑपरेटर से, बस ऑपरेटर से या कैब ऑपरेटर से वसूली के, ये भी उन्हीं में से हमें एक लगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस की आंखें कुछ खुलेंगी और वहाँ पर ऑपरेटरों को राहत मिलेगी। हम ट्रांसपोर्ट TV पर लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जिसकी वजह से आप परेशान हैं, और हमारी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है उसमें कुछ राहत का काम कर सकें। तो ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट TV को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।